हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 19 फरवरी। 19 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बड़ी से बड़ी यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, छोटी छोटी भी, उन तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मिनिमम जो कि देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम के अफेयर्स से अगर जो नहीं भी पढ़ते हैं तो डेली जानकारी के लिए, आपके जो वर्तमान में आपके बीच क्या हो रही क्या नहीं हो रही है, जो है डेली नॉलेज के लिए भी आपका ज़रूरी, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया गया है, उड़ीसा में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो उद्घाटन जो है आपका जो है कैंसर हॉस्पिटल है, इसमें जो है उड़ीसा में जो है हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें से लगभग 750 जो पेशेंट जो इसमें जो है बेड बनाई गई है और रोज़ जो है 300 से 400 मरीज जो है इसके तहत यहाँ पर देखे जाएंगे। तो ये जो है बागची शंकरा जो कैंसर केंद्र है आपका जो है उड़ीसा में इसको बनाई गई है और जो है स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल है, लगभग 750-800 बेड में यहाँ पे जो है बनाया गया है, स्टार्ट भी हो गया है, इसका उद्घाटन हो गया है। उड़ीसा के मैं बात करूँ, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो है इसको बनाया गया, यहाँ की राजधानी है उड़ीसा की, तो यहाँ पे इसको कैंसर हॉस्पिटल को जो है बनाई गई है। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बनवारी जी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है, गवर्नर है। बहुत सारे उड़ीसा से क्वेश्चन आपसे उठ के आते हैं, जैसे आपका चिल्का लेक कहाँ स्थित है, तो आपका जो है उड़ीसा में स्थित है। भीतर कनिका जो नेशनल पार्क है ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। भगवान जगन्नाथ जी का जो पुरी में जो मंदिर बना हुआ है, और चिल्का लेक तो हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे जो है लिंगराज मंदिर ये भी उड़ीसा में स्थित है। कटक में चावल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है कोणार्क मंदिर है, बारबती स्टेडियम है। ये सभी जो क्वेश्चन आपसे बार बार जो है रिपीट करते हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको यहाँ पे मैं डिस्कस कर दिया हूँ, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाल ही में किसे ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया है, विक्टर हैली, सिराज अहमद, नवाब सलाम या इनमें से कोई नहीं। तो नवाब जो सलाम है हमारे भारतीय मूल के, इनको हाल ही में जो ICJ के नया अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ICJ इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस इसको बोला जाता है। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसको बनाई गई है, और जो जैसे दो देशों के बीच यहाँ पे जो है किस कारण वश या मतभेद हो जाते हैं, इसको जो है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को जो है इस संस्था को बनाई गई है। तो इसके जो अध्यक्ष जो हमारे भारतीय मूल के नवाब जो सलाम को ICJ के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है, प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू होगा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार की राजधानी है पटना, और यहाँ के जो है नवीन पटनायक बोलता हूँ, यहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पर जो नागी पक्षी महोत्सव है, हर साल यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जो है लगभग दूर दूर से जो पक्षी यहाँ पर जो है ठंड के मौसम में जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जो नागी करके जो झील बना हुआ है यहाँ पे, और ये जो है आपको जो है ये जो पक्षी प्रेमियों के लिए भी अच्छी है और पक्षियों पे जो शोध करने के लिए भी अच्छा इसको मानी जाती है। तो नागी पक्षी महोत्सव आपके बिहार में मनाई गई है, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। इसमें देखेंगे तो अलग अलग लगभग 150 प्रजातियों के जो पक्षी इसमें आपको देखने को मिल। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो किसे है लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 स्पेशल अवार्ड दिया गया, ईशा अंबानी, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईशा अंबानी कौन है, तो जो है ये जो किसकी बेटी है, तो आप सभी को पता है जो है मुकेश अंबानी की बेटी हैं। ये भी जो है बिजनेस वूमेन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अभी वर्तमान में CEO हैं। तो ईशा अंबानी को जो है उनके जो है सामाजिक क्षेत्र, बिजनेस के क्षेत्र में उनके योगदान, तो इन सभी जो है समाज के क्षेत्र में और बिजनेस के जो योगदान में जो है इनको जो है
लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर जो है 2024 से स्पेशल अवार्ड से इनको जो है नवाजा किया गया है इस अंबानी जी को। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा जो अवार्ड को प्रदान किया गया है। चलिए अगला, और इसमें बहुत सारे जो है सेलिब्रिटी भी इसमें सम्मिलित हुए थे, बड़े बड़े कलाकार अनिल कपूर, रणबीर कपूर जैसे फिल्म स्टार इसमें सम्मिलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, पेमा खांडू वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो 100% जो घरेलू नल जल कनेक्शन यहाँ पर जो है हासिल करने वाला पहली उत्तर पूर्वी राज्य आपका जो बना है अरुणाचल प्रदेश बना है। ये आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत यहाँ पे जो है गांव से लेकर पूरा ग्रामीण से लेकर पूरा शहर तक यहाँ पे जो है हर घर में यहाँ पे जो नल कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के तहत भैया अरुणाचल प्रदेश से जो है उत्तर पूर्वी राज्य का जो है ये आपका बना है पहला उत्तर पूर्वी राज्य का जो है घरेलू नल जल कनेक्शन के तहत यहाँ जो उपलब्धि हासिल। छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? 15 फरवरी को, 17 फरवरी को, 16 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 फरवरी को जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है इसको जो है हर साल 17 फरवरी को मनाई जाती है, घोषणा इनके द्वारा की। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस का हमने मतलब है जो है जितने भी हमारे विश्व में जितने भी पर्यटन जो पर्यटक जो है उसको जो है एक तरह के यहाँ पे जो है लोगों तक यहाँ पे जो है जितने भी पर्यटन जो इस स्थल पहुँच सके और पर्यटन के बारे में जो लोगों को महत्व उसके बारे में यहाँ पे जो है बताने के लिए जो है इसको वैश्विक स्तर पर पर्यटन में जो है लचीलापन जो दिवस इसको मनाया जाए। कहने का मतलब शॉर्टकट में यहाँ पे जो है पर्यटन उद्योग को यहाँ पे एक तरह का डेवलप करना है, लाके लोगों तक यहाँ पे पहुँच बढ़ानी है ताकि जो है हमारे विश्व में जितने भी पर्यटन जो स्थल इसको ये आपका जो है जो सूचना उनके तक यहाँ पे पहुँच सके ताकि जो है इनका आनंद वो खुद से यहाँ पे और जो है पर्यटन जो है हमारे जो इसको इससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी, रोजगार के उपलब्ध होंगे और हमारे जो है इससे बहुत सारे लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ जो है साझेदारी की है या इसके साथ जो है समझौता किया? बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी के विशाखापट्टनम, यहाँ के CM कौन है? तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे जो है शिक्षा के क्षेत्र को यहाँ पे जो है अधिक और जोर देने के मामले पे यहाँ पे सभी जो पाठ्यक्रम है उसको जो है ऑनलाइन यहाँ पे जो है प्रोवाइड करने के लिए सरकार इस पर काम कर रही है। इसी के साथ ये जो लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जो है पाठ्यक्रम प्रोवाइड कराती है EDX नाम सुने होंगे, ये जो है स्टडी जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो छात्रों को ऑनलाइन यहाँ पे जो है प्रोवाइड करती है पूरा विश्व भर में। तो ये जो है EDX के साथ जो है आंध्र प्रदेश यहाँ पे पढ़ाई को लेके ऑनलाइन जो है लगभग यहाँ के 15 लाख जो स्टूडेंट को जो यहाँ पे जो है हर सेक्टर में जो है ऑनलाइन जो है प्रोवाइड कराना है, शिक्षा को आगे लेके जाना है। इसीलिए जो यहाँ के सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ समझौता किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? UAE, सऊदी अरब, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। हाल ही में जो है सऊदी अरब ने मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च किया है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है दो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च करने का मतलब ये जो सऊदी अरब में जो है इसको स्टार्ट किया जा रहा है और इस 2024 के लास्ट मंथ तक जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। इस तरह का जो है पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है पूरा जो इसके साथ यहाँ पे जो है सऊदी अरब UAE जो पूरे जो यहाँ के जो लोगों के लिए एक तरह की इसको जो है मतलब जो है मतलब पर्यटन जितने भी स्थल है इसको एक तरह के घुमाना है ताकि लोग यहाँ पे इसका आनंद ले सकें। इसलिए यहाँ पे जो है मतलब जो है मध्य पूर्व में ट्रिम आप जो डेजर्ट ट्रेन यहाँ पे लॉन्च कर रही है सऊदी अरब 2024 तक लास्ट तक है जो इसको स्टार्ट किया जाएगा। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे 98 क्रम के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गुलजार राम भद्राचार्य जी को, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनके नाम दोनों को सुने होंगे, इसको नहीं सुने होंगे तो इनको सुने होंगे गुलजार। तो गुलजार और राम भद्राचार्य को 2024 का 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो गुलजार कौन? तो ये म्यूजिशियन है, बॉलीवुड में बहुत बड़े इनका जो है योगदान रहा है। इनको जो है पद्म भूषण,
पद्मविभूषण, और हाल ही में जो इनको जो है मतलब बहुत सारे 5 नेशनल जो अवार्ड इनको जो है दिया जा चुका है, और 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया 2024 में गुलजार और रामा भद्राचार्य। गुलजार जो है साथ ही साथ कवि हैं और जाने माने जो है संगीतकार हैं, बॉलीवुड में बहुत इनका योगदान है। वहीं अगर मैं बात करूँ राम भद्राचार्य जी, संस्कृत के जो है जाने माने जो है रामा भद्राचार्य इसके जो है विद्वान हैं, और हाल ही में इसकी जो घोषणा की गई है 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सम्मानित गुलजार और रामा भद्राचार्य उपयुक्त, तो दोनों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो है इनको 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए इनको दिया जाएगा दोनों जनों के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? फ्रांस में, ग्रीस में, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यहाँ की संसद में जो है ग्रीस में जो विधेयक पारित कर दिया गया है, और यहाँ पे समलैंगिक विवाह को बहुत सारे देश में जब पढ़ाया हूँ, बहुत सारे जैसे आयरलैंड वगैरह वहाँ पे जो है पूरा प्रतिबंध लगाया है बहुत सारे देश में, यहाँ तक के बहुत सारे देश में इसको प्रतिबंध लगाया गया है, बहुत सारे देश में इसको लागू भी किया गया है। तो यहाँ पे जो समलैंगिक विवाह को जहाँ वैध बना दिया गया है ग्रीस में, जो यहाँ पे जो है इसको संसद में पारित कर दिया गया है, तो ये समलैंगिक यहाँ पे विवाह जहाँ पे आजकल मुद्दे में है, तो यहाँ पे ग्रीस में आपको इसको लागू कर दी गई यहाँ की। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ग्रीस, तो ग्रीस जो है यूरोप महाद्वीप में बसा हुआ देश है, और एथेंस यहाँ की राजधानी है, एथेंस यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के प्रधानमंत्री भी वर्तमान में करियाकोस करके नाम है इनका, यहाँ के वर्तमान में भी प्रधानमंत्री, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इम्तियाज कुरैशी का हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो सेफ, गायक, पत्रकार या इनमें से कौन थे? आपका जो है सेफ थे, याद रखिएगा। सेफ थे कहने पर तब जो खाना वाना मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं उनको सेफ बोला जाता है। ये जो है यूपी के लखनऊ के अंतर्गत रहने वाले, इनका जो है ओल्ड एज के वजह से जो इनका जो है डेथ हो गया था, जाने माने जो है इम्तियाज कुरैशी सेफ थे, मास्टर सेफ थे, इनका यहाँ पे डेथ हो गया, तो इसको याद रखिए। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें क्रम के जो वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में जो कौन से शीर्ष स्थान पर है? गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला, और सुक्खू जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो है सभी जानते होंगे बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पे जो ट्रेवल रिव्यू जो अवार्ड है, ये जो है खास करके यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में आप जैसे घूमने जाएंगे वहाँ पे तो आपसे रिव्यू लिया जाता है, मतलब यहाँ पे घूमने के मामले जो है यहाँ का जो लोगों को कहना है कि यहाँ पे जो घूमने फिरने की जगह तो है ही है, साथ ही यहाँ पे जो है जैसे घूमने जाते हैं पर्यटकों को यहाँ पे जो है उनके साथ यहाँ पे जो है दुर्व्यवहार तो नहीं किया जाता है, यहाँ पे जो है अच्छा यहाँ पे जो है रिव्यू दिया जाता है कि यहाँ का जो लोकेशन अच्छी है, ट्रेवल भी यहाँ पे जो है लोग यहाँ पे बहुत मतलब एक तरह का जो यहाँ पे जो अच्छा व्यवहार देते हैं, ऐसे कहना है। इस साल 2024 में 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड का जो है हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे दिया गया, इसी तरह गोवा, केरल ये जो है दूसरे तीसरे नंबर में है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है फर्स्ट पोजीशन जो है 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड जो है हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। भारत में जो है मतलब जो है स्वागत के मामले में जो है अच्छा इसको माना गया है हिमाचल प्रदेश को, ट्रेवल बुकिंग संबंधित यहाँ पे जो है बेटर माना, सभी को यहाँ पे जो है आंकड़ा को देखते हुए यहाँ पे डाटा निकाली जाती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 मतलब लगभग 17 साल से भी ज़्यादा वर्ष का प्रतिबंध यहाँ पे लगाया गया है? पाकिस्तान, यूके, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके, ब्रिटेन के जो क्रिकेटर हैं रिजवान जावेद, इन पे लगभग 17 साल यहाँ पे देख सके 17 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे जो इनका जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे जो है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है मामले पर जो है इनको जो है डोपिंग जो एजेंसी के द्वारा यहाँ पे जो है इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। 2021 में जो अभी धाबी T20 जब हुआ था मैच में यहाँ पे मैच फिक्सिंग का इनको जो है आरोप लगा है। मैच फिक्सिंग क्या होता है? तो मैच फिक्सिंग यहाँ पे जो है खेल के दौरान यहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे जो है जो खेल में जो एथलीट पे जो है बहुत सारे नियम अगर रहते हैं यहाँ पे जो है आप मतलब एक तरह का ड्रग्स वगैरह हैं भाई मतलब जो कोई भी मेडिसिन या दवाई खा के यहाँ पे खेल नहीं खेल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो वाडा करके पढ़ाया हूँ ये जो डोपिंग एजेंसी होती है इन पे नज़र रखती है एथलीट पे। तो यहाँ पे जो है खेल खेलने से पहले यहाँ पे जो है उन पे बहुत सारे जो है टेस्ट किए रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है नज़र रखती है, इसलिए यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है इन पे जो है
मामला देखने को मिला, इसलिए यहाँ पे जो है लगभग 17 साल से भी ज़्यादा इन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनका करियर ही ख़त्म हो जाएगा, इतना दिन का बहुत लंबा गैप हो रहा है। तो ये ब्रिटेन के क्रिकेटर हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में EIL ने अनुसंधान और नवाचार बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की या इनमें से कोई नहीं? तो जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, तो IIT रुड़की उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ के रुड़की में, जो इस अनुसंधान के साथ EIL ने जो है अनुसंधान नवाचार और यहाँ पे डेवलप नवाचार के लिए यहाँ पे जो बढ़ावा के लिए जो है इसके साथ समझौता किया गया। EIL इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है भारत सरकार के जो है सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम जो संस्था है, और जो है तकनीकी जो प्रॉब्लम होती है प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत ये काम करती है, तकनीकी प्रॉब्लम को ये जो है सॉल्व करती है। तो हाल ही में जो IIT रुड़की के साथ इन्होंने यहाँ पे जो है अनुसंधान और नवाचार के जो बढ़ावा देने के लिए इनके साथ समझौता किया गया है IIT रुड़की के साथ, कहाँ पे है? उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। हाल ही में भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी, ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो है फ्रेंच फिल्म, मतलब जो है फ्रांस फिल्म महोत्सव, फिल्म फेस्टिवल एक तरह का यहाँ पे, जिसमें नए पुराने सभी जो फिल्म है इसमें जो एक तरह का यहाँ पे जो है महोत्सव फिल्म यहाँ पे जो है फिल्मों को देख के जो है एक तरह के यहाँ पे जो है ओल्ड चाहे नए हो, तो एक फिल्म फेस्टिवल, इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है, इसका उद्घाटन अनिल कपूर ने यहाँ पे जो है जो एक्टर इन्होंने इसका उद्घाटन किया गया है, और एक तरह के यहाँ पे जो है फिल्म फेस्टिवल है जिसमें सॉन्ग्स फिल्म जो होते बेटर जो है इनको तो एक तरह का अवार्ड इनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में शुरू हुआ है, तो इसको याद रखिए 19 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से 2 मिनट बढ़िया रिवाइज करना है PDF को। तो चलिए, आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।